गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग चैप्टर नंबर 5। ओके, टिल नाउ वी हैड डन 5 गैस लॉज। हमने 5 लॉज कर लिए अभी तक, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुजैक लॉ, एवोगैड्रो लॉ एंड देन कंबाइंड गैस लॉ। नाउ द लास्ट लॉ दैट वी आर लेफ्ट विद इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ डाल्टन हैज गिवन अस द लॉ रिलेटेड टू प्रेशर्स एंड दैट प्रेशर्स आर द पार्शियल प्रेशर। ओके, so now firstly what is Dalton's law? Okay, so Dalton has given us the law that total pressure exerted by mixture of two or more non-reacting gases, means if we in a vessel we had taken number of gases, theek hai na, if this is one type of gas and this is another type of gas, okay, in a container we had taken two or more than two type of gases, okay, so then at that time the total pressure will be equals to what? तो उस time पे जो total pressure होगा वो किस चीज के equal होगा? Okay, so total pressure exerted by the mixture of two or more non-reacting gases, ठीक है ना, एक vessel है उसमें gases ले रखी हैं, दो या दो से ज़्यादा gases ले रखी हैं and they are the non-reacting gases in a definite volume, ठीक है ना, means एक fixed volume में हमने gases के mixture को ले रखा है, so then that at that time total pressure equals to sum of the individual pressure. हमने इस vessel में दो तरह की gas ले रखी है, one type and another type. So pressure exerted by the one type of gas is P1 and then pressure exerted by the another type of gas is P2. If we had taken third type of gas also, then pressure of that will be P3. Okay, so now total pressure जो वो किस चीज के equal होगा, it is equals to the sum of the individual pressures which each gas would exert if it occupied the same volume at constant temperature. ठीक है, means जो उसकी volume और temperature constant है यहाँ पे, ठीक है, तो total pressure है that is equals to pressure exerted by each gas. जितना first gas ने, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 gases है, then the total pressure will be equals to P1 plus P2 plus P3. तब total pressure है वो इन तीनों के pressure के equal होगा. ठीक है, और पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है यहाँ पे, जो फर्स्ट गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रही है अपना, ठीक है ना, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन एंड देन प्रेशर एग्जर्टेड बाय सेकेंड गैस इज द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय सेकेंड गैस, मीन्स जो इंडिविजुअल गैस का अपना खुद का जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर. तो जो टोटल प्रेशर है वो किस चीज़ की इक्वल है, सम मीन्स एडिशन हो रही है किसकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. ठीक है ना, तो हर गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, मींस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस. हर एक गैस का जो अपना अपना यहाँ पे जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रही है दैट इज द पार्शियल प्रेशर. सो जो फर्स्ट गैस प्रेशर एग्जर्ट करेगी P1, सेकेंड का P2, थर्ड का P3, इफ देर आर 3 गैसेस, ओके, सो देन टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3. सो दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि जो टोटल प्रेशर होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, इट इज द सम ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस. जो हर एक गैस अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी उन सभी गैसेज के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करने के बाद जो प्रेशर आएगा दैट इज द टोटल प्रेशर एज गिवन बाय डाल्टन. एंड वो जो इंडिविजुअल गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर. सो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर. और हर गैस का जो अपना अपना पार्शियल प्रेशर है, एडिशन ऑफ दैट पार्शियल प्रेशर इट गिव्स अस द टोटल प्रेशर. ओके, सो नाउ दिस इज प्रेशर, टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर. नाउ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, वी हैड रेड अबाउट मोल फ्रैक्शन इन फर्स्ट चैप्टर. सो मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. जैसे हमारे पता है जो सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सोल्यूट एंड अनदर इज सोलवेंट. ठीक है, अगर हम मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की निकाल रहे हैं देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अगर सोलवेंट के सोल्व कर रहे हैं तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट एंड अपॉन आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स. लाइक हियर इट इज, इफ एन ए मोल्स ऑफ सोल्यूट है और एन बी मोल्स ऑफ सोलवेंट है. ठीक है, अब हम मोल फ्रैक्शन निकालनी है हमें सोल्यूट की, तो वो किसकी इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट. वो वन कंपोनेंट कौन सा होगा, यहाँ पे अगर हमें सोल्यूट की निकालनी है मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूशन में वो किस किस के आएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट.
In the similar way, if we have to find the mole fraction of solvent, because B I had taken here for solvent, right? So mole fraction of solvent will be equals to number of moles of solvent upon total number of moles. Total number of moles aayenge, moles of solute plus moles of solvent. Okay. Now if in a vessel we had taken three gases, ठीक है, तो वहां पे तीन गैसेज हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो फर्स्ट का होगा पी वन, सेकेंड का पी टू, थर्ड का पी थ्री. एंड वी नो अकॉर्डिंग टू दैट गैस इक्वेशन पी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी, राइट. सो पी वन की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो आर ये भी कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर और वॉल्यूम भी डाल्टन लॉ के में जो सॉरी डाल्टन लॉ में जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है ये दोनों चीज़ें भी क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट, राइट. सो आर टी और वी इस लॉ में ये तीनों चीज़ें, आर तो सभी में कॉन्स्टेंट है, टी और वी इस डाल्टन लॉ में ये भी कॉन्स्टेंट है, एंड जो यहाँ पे चीज़ वेरी करेगी दैट इज एन, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट विल वेरी. ओके, सो पी वन की वैल्यू क्या होगी, एन वन आर टी अपॉन वी, पी टू इक्वल्स टू एन टू आर टी अपॉन वी, एंड पी थ्री इज एन थ्री आर टी अपॉन वी. और टोटल प्रेशर कैसे आएगा, इन तीनों को क्या करेंगे हम ऐड, तो आर टी अपॉन वी कॉमन आ गया, अंदर आएगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री. So these are the number of moles of first gas, of this is of second, and this is of third gas. So sum of these three will give us n, means total number of moles. The total number of moles hai, that is n, right? So हमारे पास जो total pressure आ जाएगा वो उसकी value क्या होगी, RT upon V into m. Now we have to divide the equation number 1 by equation number 2. And equation 1 gives the value of P1, right? Or equation 2 gives the value of P total. So, jab P1 aur P total ko divide karenge, this is the value of P1, this is the value of P total, right? So, this is N1 RT upon V, and this will get reciprocal. V upar chala jayega, it will get into numerator, and the remaining value is in the denominator. RT and will cancel here with RT, and volume will cancel with V. So just we are left with P1 upon P total equals to N1 upon N1 plus N2 plus N3, and this is the value of N. Now here is the number of moles of first gas upon total number of moles of all the gases. So this will give us the value of the mole fraction of the first gas, right? So that is P1 upon P total equals to X1. So P1 equals to X1 into P total. So this is the partial pressure of the gas in terms of the mole fraction. Similarly for P2 and then for P3, right? For P2 it is X2 P total, for P3 it is X3 total pressure. So generalized equation for this is that Pi equals to Xi into P total, and I varies from 1, 2, 3 and up to I. Okay, so this is the partial pressure in terms of mole fraction. Okay. Now applications of Dalton's law, it is used to calculate the pressure of the gases if that is collected over water in the laboratory. Means lab mein jo agar pressure calculate karna hume gases ka which are collected over water, then at that time to calculate the partial pressure, there we use the Dalton's law. Okay. So now here are some numerical problems based on these gas laws. हमने जो अभी तक gas laws study कर रहे हैं उनके related जो numerical problems are different. So that I'll be doing here. So now the first question is that a gas occupies 200 ml. ये में volume दे रखी है at pressure of 0.820 bar. इतनी volume है, इतना pressure है और temperature है 20 degree Celsius. So how much volume will it occupy if it is subjected to pressure of 1.025. So means how much volume, means हमें यहाँ पे क्या find करनी है कि वो कितनी volume occupy करेगी if the pressure is being changed to 1.025, right? At same temperature, means temperature क्या है इस question में, constant है. अगर temperature constant हो तो वो कौन सा law apply करते हैं वहाँ पे, Boyle's law. So at constant temperature, the equation is P1V1 equals to P2V2. So in these questions we should know about that which law is to be applied. तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल हमें, कौन सा जो चार फैक्टर्स है प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में से कौन सा कॉन्स्टेंट है
तो उसी के अकॉर्डिंग वी कैन गेस अबाउट, वी कैन चूज द लॉ दैट इज टू बी एप्लीकेबल एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी कैन सॉल्व इट, राइट. सो वी वन इज 200 ml एंड फॉर दैट प्रेशर इज पी वन 0.820 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वी टू और उसके लिए प्रेशर दे रखा है पी टू 1.025. इक्वेशन दे रखी है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी कैन सॉल्व आवर आंसर. सो वी हियर वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दैट विच लॉ इज टू बी यूज टू फाइंड द वैल्यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ सैम्पल ऑफ हीलियम हैज दिस मच वॉल्यूम एट 100 degrees Celsius. हमें वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है 100 degrees Celsius. वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम विल बी 260. ठीक है ना, अभी हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे जो वॉल्यूम है वो चेंज होगी, किस में चेंज हो जाएगी 260 में, एंड वट वी आर गिवन विद प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. सो प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड चार्ल्स लॉ, राइट. सो वी वन हमें दे रखी है 520 ml और उसके लिए टेम्परेचर दे रखा है 100 degrees Celsius. तो टेम्परेचर को हम हमेशा केल्विन में यूज़ करेंगे यहाँ पे इन न्यूमेरिकल्स में. और वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम जो हमें यहाँ तक पहुँचना है वो है 260 ml एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर T2. ओके, सो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल एड अप 273 इनटू दैट वैल्यू. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू वी टू अपॉन टी टू और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन. एज हियर वी आर गिवन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देंगे. जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना था देन वी हैड एडेड 273. अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हम 273 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो इन दीज न्यूमेरिकल्स वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट विच फैक्टर इज कॉन्स्टेंट, सो अकॉर्डिंग टू दैट विच लॉ हैज टू बी अप्लाइड. तो उसी की इक्वेशन हम यूज करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकल जाएगा. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन चैम्बर ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे मैं क्या दे रखी है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट दे रखी. तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कहाँ पे होती है, गेलुजेक लॉ, राइट. सो इट इज इमर्ज्ड इन द बाथ ऑफ मेल्टिंग आइस. तो मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर है 0 degrees Celsius एंड प्रेशर इज 1.07 × 10^2 kPa. ओके, सो व्हाट प्रेशर विल बी इंडिकेटेड व्हेन द चैम्बर इज ब्रॉट टू 100 degrees Celsius. देखो फर्स्ट टेम्परेचर हमें दे रखा है 0 degrees Celsius, T1 हो गया 0 degrees Celsius, ठीक है, इसको केल्विन में चेंज कर दिया. और यहाँ पे प्रेशर कितना है 1.07 × 10^2. तो मैं पूछ के रखा था व्हाट विल बी द प्रेशर, मीन्स हमें P2 फाइंड करना है और वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 100 degrees Celsius, ठीक है. तो वहाँ पे हम केल्विन में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर गेलुजेक और हमें तीन फैक्टर्स की तो वैल्यू दे रखी है, फोर्थ हमें फाइंड करना है, तो बाकी तीनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 gram ऑफ CO2 एट 31.1 degrees Celsius एंड 1 bar प्रेशर, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन ओवर हियर. नाउ हियर वी आर जस्ट गिवन एक ही टेम्परेचर है और एक ही प्रेशर की वैल्यू. मीन्स अगर दो टेम्परेचर या दो वॉल्यूम या दो प्रेशर दे रखे हो एट दैट टाइम वी यूज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुजेक्स लॉ वो यूज होते हैं. बट यहाँ पे हमें एक ही टेम्परेचर एक ही प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, मीन्स हियर वी हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विद आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इक्वल्स टू NRT एंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 1 bar, टेम्परेचर इज 31.1 degrees Celsius, वी विल चेंज इट इन टू केल्विन, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ R इज गिवन. वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, राइट, एंड PV इक्वल्स टू NRT. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, प्रेशर भी हमें गिवन है और R भी हमें पता है, टेम्परेचर भी गिवन है, बट वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ N. इंस्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ N वी आर गिवन हियर 8.8 gram ऑफ CO2. हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है. अगर हमें मास गिवन है, वी नो द मोलर मास, ठीक है, तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट कर सकते हैं. And the formula for number of moles is given mass upon molar mass. और mass कितने given है 8.8 and for CO2 the molar mass is 44. So the value of N is 0.2. तो भी N की value भी है हमारे पास, right? R की value भी है, T की भी और P की भी. So substituting these all values in this equation we'll get the value of V. Right? So V की value हमने यहाँ से formula निकाला है, V equals to NRT upon P. Right? So
then substituting the values, so we will get our answer. In next question, the density of gas at 27 degrees Celsius, temperature is 27 degrees Celsius, change it into Kelvin, and 1 bar pressure. ठीक है, प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है. द डेंसिटी ऑफ द गैस इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर इज 2.56 ग्राम पर लीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी इज 2.56 ग्राम पर लीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास. मीन्स हमें कैपिटल एम है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. सो इक्वेशन इज पी वी इक्वल्स टू एम आर टी. हमें प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर भी दे रखा है, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ आर. यहाँ पे प्रेशर बार में है और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और जब प्रेशर बार में होता है एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ आर इज 0.0831. सो नाउ एज वी हैव टू फाइंड मोलर मास हियर, हमें पता है मोलर मास किसके फॉर्मूले में हो सकता है, एन के. एन के फॉर्मूले में मोलर मास होता है ना, एन इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू को पुट कर देंगे, एंड देन मास अपॉन वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज डेंसिटी. मास पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है डेंसिटी, सो इंटू आर इंटू टी अपॉन मोलर मास. तो मोलर मास की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, सो मोलर मास को से निकले जाएंगे, एंड देन प्रेशर विल कम ओवर इन द डिनोमिनेटर ओवर हियर, राइट. सो अभी हमें यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू भी पता है, आर की भी वैल्यू वी नो, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो एंड प्रेशर ऑल्सो. सो देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर मास. The next question is that what will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar. अभी हमें जो हाइड्रोजन गैस दे रखी है उसकी वॉल्यूम दे रखी है 0.5 लीटर और प्रेशर दे रखा है 0.8 bar, right? And 2 liter of oxygen and 0.7 bar pressure. और दूसरी गैस दे रखी है हमें ऑक्सीजन. प्रेशर वहाँ पर वॉल्यूम कितनी दे रखी है ऑक्सीजन की, 2.0 लीटर, एंड प्रेशर इज 0.7 bar. ओके, दे हैव आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर. मीन्स हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसेस का मिक्सचर जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका जो प्रेशर है क्या होगा, मिक्सचर का प्रेशर इफ दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ 1 लीटर वेसल. अगर उन दोनों गैसेस को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, कौन से वेसल में हमने डाल रखा है जिसकी वॉल्यूम है 1 लीटर और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस. सो पूरी इक्वेशन जो है, पूरा जो मिक्सचर है गैस का, वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, राइट. तो टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस. ये दो गैसेस दे रखी हैं, उसकी वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का वॉल्यूम प्रेशर दे रखा है. तो जब हम उन दोनों का मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे तो उस गैस मिक्सचर का कितना प्रेशर होगा, वी हैव टू फाइंड दैट प्रेशर. ओके, सो हियर वी नो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. तो हमने जो हमें पहली वॉल्यूम दे रखी है हाइड्रोजन की वो है 0.5 लीटर और बार प्रेशर देखा है 0.8 लीटर. और हमने कितनी वॉल्यूम तक पहुंचना है, मींस जिस वेसल में उसको इंट्रोड्यूस कर रखा है उसकी वैल्यू कितनी है वहां पे वॉल्यूम की, 1 लीटर. सो V2 इज 1 लीटर एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी हैव एडेड इट इनटू द वेसल. सो अप्लाइंग बॉयल्स लॉ वी कैन फाइंड दैट प्रेशर. सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 2.0 एंड प्रेशर इज 0.7 बार. और जिस वेसल में उसको रख रहे हैं दैट इज वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर और प्रेशर हमने फाइंड कर देना है. सो हियर वी गेट द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन जब हम उसको 1 लीटर वेसल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट इज बीइंग केप्ट इन द वेसल ऑफ 1 लीटर. सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, एंड दिस इज ऑफ ऑक्सीजन. एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर. हमने मीन्स टोटल प्रेशर फाइंड करना है कि उस वेसल में जो टोटल प्रेशर है गैस मिक्सचर से वो कितना आता है. सो दैट प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.40, एंड ऑफ ऑक्सीजन इट इज 1.40. सो एडिंग दिस बोथ वैल्यूज विल गेट द रिजल्ट, एंड द रिजल्ट इज 1.80 बार. सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट अ 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 298 केल्विन कंटेन्स मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है 10 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, और टोटल प्रेशर दे रखा है 2 बार, ठीक है ना. और गैसेस कौन कौन सी है, CO एंड CO2.
इफ 0.20 मोल ऑफ सी ओ इज प्रेजेंट, ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं सी ओ के, दैट इज 0.20, राइट. सो वी हैव टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू. तो सबसे पहली बात, जो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर यहाँ पे किसके इक्वल होगा, सी ओ का जितना प्रेशर होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू, राइट. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू इट विल गिव अस टोटल प्रेशर. एंड द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 2, राइट. और अभी हमें यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ साथ, वॉल्यूम भी दे रखी है 10 dm³ और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ इज गिवन, दैट इज 0.20 मोल, ठीक है. सो दीज एंड नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दीज थ्री थिंग्स आर गिवन टू बी अस. सो नाउ अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन विच इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी प्रेशर यहाँ पे हमें किसका फाइंड करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, इट इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ इज 0.20, राइट. एंड आर यहाँ पे प्रेशर बार में है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 0.0831. टेम्परेचर दे रखा हमें 298 केल्विन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 10 dm³. सो सॉल्विंग दिस वी गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का पता है, दैट वी हैड कैलकुलेटेड, इट इज 0.495. और टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 2 bar. तो टोटल प्रेशर में से अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू. सो दिस वॉज आस्क्ड टू वी पीपल टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ एज वेल एज सी ओ टू. ओके, सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दीज लॉज एंड दीज 6 laws, दीज आर इम्पोर्टेंट. ओके, थैंक यू. एंड ऑल्सो यू शुड बी वेल नोन टू दीज ऑल गैस लॉज. ओके, ये जितने भी गैस लॉज हैं और उनके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, सो यू शुड बी वेल नोन अबाउट दिस ऑल थिंग्स. ओके.